सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। बिलावल महला तीजा वार सत कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आदित्वार आदि पुरख है सोई, आपे वरतै अवर न कोई। आदित्वार आद पुरख है सोई, आपे वरतै अवर न कोई। ओत पोत जग रहा परोई, आपे करता करै सो होई। नाम रते सदा सुख होई, गुरमुख विरला बूझै कोई। हृदय जपनी जपों गुणतासा, हरे अगम अगोचर अपरंपर स्वामी। जन पग लग त्याओ होए दासन दासा रहाओ। बुधवार आपे बुधसार, गुरमुख करनी शब्द विचार। नाम रते मन निर्मल होए, हर गुण गावे हौ मैं मल होए। दर सच्चै सद शोभा पाए, नाम रते गुर शब्द सुहाए। दर सच्चै सद शोभा पाए, नाम रते गुर शब्द सुहाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु। तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश। टलदी शाम सत्संगत दा समां सी प्राप्त कीता है। इस समां गुरबाणी व्याख्यान दा है। इस विच बिलावल राग दी रचना, गुरु अमरदास साहब जी दा संदेश वार सत, जिन्हां नूं असीं सतवारे कहिंदे आ, हफ्तावारी नावां दे नाल गुरु बाबा जी ने जिहड़ा अध्यात्मी संदेश साडी झोली पाया है, असी उहदी विवेचना कर रहे हैं। बीते विच आदित ऐतवार तो गल शुरू हुई, सोमवार मंगल इत्थों तक असी विचारिया। अज बुधवार इस सिरनामे नूं, इस अखर नूं कैरी करदे आ, जिहड़ा पदा आया इहदी विवेचना होएगी। पर हाँ, रहाओ दे बंद तो असी विचार प्रारंभ कर रहे हैं। गुरुदेव जिक्र कर रहे हैं कि हृदय जपनी जपों गुण तासा, हर अगम अगोचर अपरंपर स्वामी। जन पगलग त्याओ होए दासन दासा रहाओ। हृदय जपनी जपों गुण तासा, माला जपनी नू कहा गया। धार्मिक बहुत सारे चिन्ह जिहड़े धर्म नू समझण वास्ते बंदे ने वक्त बा वक्त अपनी धार्मिक क्रियाकलाप दे विच लगाए, बाणी ने उन्हां दा जिक्र कीता है। पर महाराज कहिंदे जे ते उह चीज़ां हैल्पफुल ने फिर ते मुबारक आ, पर जे उन्हां दा मीनिंग तू लूज़ कर गया है फिर दस। जिवें किसी नूं इंपावरमेंट दित्ती जांदी, तू आप ही करदा है, आप ही सोच के देख। जे असल विच कुछ जपनी है, जो कुछ सिमरना है, तो हिरदा है तेरे हर धड़कण दे नाल, हर साह दे नाल उहदा सिमरन होए, यह सिमरन है। बचन आया हिरदय जपनी जपों गुणतासा, ते जपना भी किनू है, गुणतास जिहड़ा गुणा दी खान है, अकाल पुरख वाहिगुरु। हाँ, उहदी रूपरेखा बाबा जी कहिंदे हर अगम अगोचर अपरंपर स्वानी स्वामी। जन पगलग त्यावो होए दासन दासा। अगम अगोचर आ उहदे दासां दे दास, तां दास बन के उहनां दी संगत करके चीज़ साडी झोली पै सकदी है। हुण आ जाइए असी जो बचन अज असी विचारना हैगा। महाराज कहिंदे ने बुधवार आपे बुधसार, बुधवार आपे बुधसार। बुध बौद्धिकता, जिहनूं असी इंटलैक्चुअल एबिलिटी कहिंदे आ, उहदी गल वी हुंदी है। बाबा जी बुद्धि दी, अकल दी, सोझी दी, समझ दी सब तो वध बात करदे। इस तरह कह लईए, असी बाणी च अक्सर पढ़दे हाँ, महाराज ने कहा अकली साहिब सेवी है, अकली पाई है माण, अकली पढ़ कै बूझी है, अकली कीचै दान,
नानक आखै राह ए होर गल्लां शैतान। नानक दा राह ते अकल दा राह आ, वह अकल जिहड़ी सानू मनुख बनन विच मदद कर सके। उस अकल नू गुरु बाबा जी ने वार वार दोहराया बाणी दे विच, ते फिर भी है महाराज कहिंदे कुदरत बख्शदी है ते बंदा अपने आप नू जिहनू असीं कमाउणा कहिंदे आ ना, एक्चुअली असीं प्रूव करदे आ हाँ करतारी कुदरत मैनू आ चीज़ चाहीदी है। जिवें आपने ब शब्द विचारिया, वैसे महाराज बयान करते हैं कि गुर कै शब्द बनावो एह मन गुर का दर्शन संचो हर तन, उत्तम मत मेरे हृदय तू आओ। मन की ऐसी तैयारी करवानी जिदे विच मन खाशमंद होए। खाशमंद किस गल का? इस तरह जानिए, कोई साढ़े आले दुआले सानू किसी गल तो टोके रोके सानू कुछ दसे इंस्ट्रक्ट करे, पहले पड़ाव दे विच मन ये कहिंदा है भी पता की करना है, इनू नहीं सुनना, इहदे तों दूर रहना। ये क्योंकि मन ये मनदा ये मेरी हस्ती नू वगारदा आ। जरूरी नहीं जे तू हस्ती मैल दी बना के बैठा है ते ओ गल लफज जिहड़ी है ओ पोचे दी तरह आ, या उसनू कह लो कि साफ करन वाले एक एक जिवें कह लो स्पंज की तरह आ, तो भाई फिर उन्होंने करन दे, बैठ रहा तेरे वास्ते। पर मन कहिंदा ना, मैं गल नहीं सुननी है, मैं गल क्यों सुनांगा। इत्थे इत्थे फिर मनमुखता आउंदी ते मन दे मुरीद नूं बौद्धिकता, ये फिर कहिंदे ने उहदी सुरत च पकड़ च ना आउंदी। भगत फरीद जी ते बचन ने बयान कर दे कि फरीदा कू केंदे आ चां गेंदे आ मत्ती देंदे आ नित। ये पॉसिबिलिटी है, तुसी किसे नू कम दी गल कहो अगला कन्ना पिछे सुट के लामे हो जाए, तुहाडी आवाज़ उच्ची हो जाएगी, तुहानू लगेगा ये गल वाजब आ, ये ठीक आ, मैनू दोहराउणी चाहीदी है, इहदे कम दी है। होएगा कि बंदा उस गल नू बड़े सहज च करन दी बजाए कूका मारन लग जाएगा, रौला पाउण लग जाएगा, उच्ची उच्ची बोलेगा, जिन्हों यल करना कहने असं कू केंदे आ। फिर एक लैवल ऐसा आएगा जो तुहाडी आवाज़ तुहाडे अपनी ता विच नहीं रहेगी, चांग गेंदे आ, आवाज़ इतनी उच्ची हो जानी चांग निकल जानी, फट जानी आवाज़, भी इन्नी क उच्ची बोल लवान एटलीस्ट हो सकता ता ही पता लगे भी किन्नी जरूरी गल है जी मैं तेनों दस रहा। बाबा फरीद जी कहिंदे ने जे तू जिन्ना मर्जी चारा ला लै, कू केंदे आ चांग गेंदे आ मत्ती देंदे आ नित, तू मत्ता देने की एफर्ट भी पा। जो शैतान वजाया, जिसनू शैतान ने अपनी उंगल फड़ा दीती है ना, वो तेरी गल नहीं सुनेगा। इत्थे हुण मन की गल हो रही है सारी। आपां सरल भाव च आ जाने, बाणी च रोज पढ़ते हैं, जपजी साहब च आ जाइए। जदों महाराज घाड़त घड़न की गल घड़त करते हैं साड़ी, बाबा जी की बयान करते कहिंदे तिथे घड़ीऐ सुरत मत मन बुद्ध आकड़िया जाएगा। सुरत, सुरत नूं होर बेसिक च लै जाइए तो यह स्रोत है। कहिंदे ने कन्न ते मन का बहुत कोलो क्लोज रिश्ता है, जिहड़ी गल कन्न सुनन लई तैयार नहीं मन ते कदी भी नहीं सुनेगा, वह कन्न दे जरिए ही मन तक जानी है। सुरत स्रोत उच्ची होई, हौली हौली सुरत पाक हो गई। सुरत इहदा पड़ाए हुंदा जिवें ना किसी चीज़ नू छानण वाला एक छानणा लाया हुंदा ना, जिहनूं असीं कोई कहिंदे आ कि फिल्टर आ, सुरत उह कम करदी है। जदों स्रोत च कोई चीज़ पैंदी, सुरत उहदे विच्चों हौली हौली चुण के कुछ चीज़ां साडी बिरत च, साडी जिहड़ी इनर एबिलिटी है चीज़ां नू अनालिसिस करन दी, उहदे च पाउंदी। जिवें जिवें वह चीज़ वधदी साडे मन की दुनिया कुछ बदलती, तो फिर मन कहिंदा उन्हां कोल चलीए जिन्हां की मत चंगी है। क्योंकि मत, मत का मतलब हुंदा साडा ओपीनियन, असीं कहिंदे ना भी अपना ओपीनियन दे, मत दे अपना।
फिर ओपीनियन ठीक होना शुरू होता। जिवें जिवें ओपीनियन एक शेप मिलती है फिर जिहड़ा साडा साइकोलॉजिकल लैवल आ उस तरीके अगे वधना शुरू होता हौली हौली। फिर इत्थे जाके जिहड़ा इंटलैक्ट आ उते है ही है। आप एहसास करिए कि बंदा ईवन असी देखते हाँ एक बंदा ना नशे करता, नशे करके अपनी किडनी भी खराब कर ली, लिवर भी खराब कर लिया, कुछ कर लिया। तुसी उसनू तर्क नाल गल करो, जाके दलील नाल गल करो तो उहदे अंदर जिहड़ा तर्क पिया है तुहाडे तर्क तो कितने शार्पन है। वो तुहाडे सामने मैं रोजमर्रा इहो जिहियां चीज़ां नाल डील करदा। अच्छा भी जे सपोज करो तुसी मैनू ये कह रहे हो भाई साहब कि मैं ना ड्रिंक करदा तो ड्रिंक करके मेरिया किडनियाँ खराब हो गई, लिवर खराब हो गया तो मैं मर जाऊँगा। ठीक, अच्छा अज दसो जो 10 बंदे होर मरे ने सारे के लिवर खराब ही से मरे से। बंदा कहेगा कि कमाल की गल है, एडा लॉजिक है। दसो जे बिना शराब पीण तो मर रहे ने वह भी तो मर ही रहे ने, की फर्क पैंदा हुण इस लॉजिक नूं की करोगे तुसीं? पैदा मतलब यह है भी भौतिकता बहुत कम कर रही है, बुद्धि तो है, बुद्धि है ता ही तो अगला एड्डी वड्डी गल कर रहा। अदरवाइज दूजे तो पता नहीं, दूजे तो गल कह हाँ गल ठीक है भाई बंदा मर जाएगा शराब पी के, वह कहते कि गल्लां करदे सी, होर कोई गल दसो। इत्थे ये है कि इंटलैक्ट कम कर रहा पर कम कादे वास्ते कर रहा है। यह तो बहुत कमाल का मैटाफोर जिहड़ा हैगा साडे लिटरेचर च पाया गया। कहिंदे नाइफ है मतलब कोई इस तरीके दे नाल कोई छुरी है तो उन्हू फड़न दे दो तरीके ने। एक पासे जिहड़ा शार्पन एज है उधरों फड़ लो की करेगा हाथ वढ़ देगा, जिहड़े पासे उहदा प्रॉपर हैंड जिहड़ा हैगा उहदी हैंडल बनिया या उसनू हैंडल करन वास्ते जिहड़ा स्पेस बनिया उधरों फड़ोगे वह तुहाडे हाथ च आ जाएगा, शार्पन एज नू तुसीं कितें यूज़ कर लोगे। है बौद्धिकता ही, बौद्धिकता देखनी पेगी मैनू मार रही है या मैनू बचा रही है। बस आया आ इसनू साहब ने कहा आ कढ़नी है। ये बौद्धिकता तेरे बेनीफिट वास्ते होए वो की अकल है जिन्होंने साहब ने कहा अकल गवाई है बाद, जिहड़ी बंदे नू बर्बाद ही कर दे उस अकल का भी की करांगे असीं। अकल तो होए जिहड़ी तेरी वाजिब होए, तेरे भले की होए, किसी दूसरे की भले की होए। असीं वह लोगों नू मिले आपां बड़ियां जिहड़ियां अजकल बहुत हायर लैवल दियां गड्डियां आ रही ने, हाई प्रोफाइल कह लो कि एक उहदे नाल टेक्नोलॉजी दे नाल जिहदे च कहा गया कि उहनां नू चढ़ाया स्पैशल चाबी खोलदी है तो GPS कीता जांदा है, इस तरह कीता जांदा है। इन्हां कारां दे सिस्टम नू डीकोड करन वाला लड़का मैनू मिलिया, वो क्योंकि प्रिजन सैटिंग सीगा। तो जो बाद साड़ी गलबात हुई तो कहें मैं इन्हां चार्जस दे नाल आया इत्थे। अच्छा हुण ब्रेन की कोई इंतहा थोड़ी है, आप अंदाजा लाओ कि मतलब एडा ब्रेनी कहिंदा भी दो वारी कोई भी जिहड़ी कार आ एक वारी कोई मतलब उसनू जिहड़ा आ उस उहदी जिहड़े लोग ऑन करे तो एक बारी ऑफ करे, बस इन्ना बहुत है। ये ही असी कंप्यूटर के उत्ते उसनू सेंस करके डीकोड कर दें। वाह की है यहो जी अकल की करेगी? महाराज कहिंदे बौद्धिकता होए पर वो होए जिहड़ी बंदे दा अपना आपा सवारे। ये तां होए जे इसनू सपोर्ट करन वाली सुरत भी होए, मत भी होए, मन भी होए, तां ते बुद्ध काम करे। जे कल्ली बौद्धिकता ही है वो तो इस तरह जिवें गवाच जाएगी, जिवें उन्हूं पता ही नहीं होएगा मैं जाना किधर आ। इस करके बंदे दे अंदर एक बहुत सारा होर सारा जमावड़ा जिहड़ा आ जिसनू असीं अपना पूर्ण अंतहकरण कह दिंदे आ। महाराज ने इत्थे बयान कीता आ, बाबा जी बयान कर दे कि बुद्धवार आपे बुद्ध सार। ये जाणो कि जिहड़ी आपे बुद्ध सार जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरु है
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਬੌਧਿਕਤਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤੇਜਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਘੋੜੀ, ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਵਹੀਕ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਕੜਿਆਲਾ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ, ਅਹਿਰਣ ਜਿਉਂ ਸਿਰ ਦੇ। ਉਹ ਬੌਧਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖਕੈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ, ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਐ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਲਏ। ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੌਧਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿਫਲ, ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਬੌਧਿਕਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਉਸਨੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੁੱਧ ਸਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹੇ ਮਾਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇਂ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਲਵੇ। ਨਾ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦਾ ਆਈਡੀਆ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ। ਕਿਆ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਪੇ ਬੁੱਧ ਸਾਰ, ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਕਰਨੀ ਚੰਗਾ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਗੱਲਣੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਬੁਰਿਆਈ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਇਹ ਬੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਛਿਆਈ ਇਹ ਵੀ ਅਛਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅਮਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸਰੋਪਰੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰੋਪਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੱਚੋਂ ਊਰੈ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ, ਬੰਦਾ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ, ਬਦਲੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੋਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਰਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਨਿਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ ਆ ਮਨ ਦੀ, ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਲ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟ ਨਾ ਆਏ, ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਨਾ ਪੱਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੂਥੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਧੁੱਪਜੇ? ਕੋਈ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਝੀਏ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਲਾ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਮੈਲਾ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ
एक छोटे जे भांडे जिस तरीके किसी गिलास कप च पानी पा के तो वो उत्ते पा के तो उन्हें एवें करके कह लो जी क्लीयर हो गया साफ हो गया। नो वे, मुझ अदने वर्गे मनुख आपां कुछ धर्म करम कर लिया कुछ थोड़ा बहुत सोचा साफ हो गया, बाबा जी कहिंदे कि किहड़े चक्करां च पिया इत्थे उमरां लग जांदियां पूरे पूरे जीवन लग जांदे जन्मा जन्मांतरां दे उस संस्कारां नूं धोंदिया फिर भी बंदे नूं महसूस हुंदा ना। भगत फरीद जी ने कहा हालत की है कि तन सुक्का पिंजर थिया तलियां चूंड है काग अजों सो रब ना बहुड़िया देख बंदे के भाग। कहिंदे उम्र लंघ गई सारी, तन सुक के पिंजर काल खा गया सब कासे नूं, पर कमाल है अजे भी उत्थे नहीं पहुंचा जिथे पहुंचना सीगा। अजे भी आप उस दिन बचन विचार रहे सीगे कि कन मुसला सूफ गल दिल काती गुड़वात बाहर दिस है चानना दिल अंधेारी रात। तो मैल अजे भी उमी उमी उस तरह पई है, इहदा की करांगा। पर इत्थे बाबा जी ने बयान की बात, कहिंदे नाम रते इनाम रते एग्जैक्टली उही वर्ड्स ने जिहड़े जपजी साहब च असीं पढ़दे हां। जित साहब ने कहा भरी है मत पापा कै संग ओ तो पै नामै कै रंग, इत्थे रते है उत्थे रंग है, बिल्कुल सिनोनिम ने, पर्यायवाची शब्द ने एक दूजे दे। क्या नाम रते मन निर्मल होए इहदे विच मन दी फिर मैल जिहड़ी है ओ उतरण दी संभावना बनदी है। हर गुण गावै होमै मल खोए, हर गुण गावै कितने बाबा तरस करे तो बंदा माफ़ी मंगागा। आप कितने बैठीए सानू हुंदा है कोई साडा गुणगान करे तो जिदे कोल असी बैठे कुछ असी उहदा गुणगान कर लईए, इहनू कुछ मेरिया तरीफा वह कर दे मैं कुछ मैं उहदियां तरीफा कर दे काम बन गया। एक्चुअली साडी दुनिया की वार्तालाप यही हैगी है, पर कितने समझ आ जाए कि तरीफ करन योग की तरीफ की जाए वह कौन है? वह रब है, वह करतार है, उहनू सलाहो। किते नू की सलाहना, करनहार नू सलाहो। ये बौद्धिकता है, ये असल बुद्धि है। जे इन्नी बुद्धि आ जाए बंदे नू समझ आ जाए भी ओहो इस लैवल ते बात चलनी चाहिए है। साहब ने कहा हर गुण गावै होमै मल खोए, पर होए उदों जदों होमै दी मल खोजे। कुछ मैल ऐसी होंदी है जिहड़ी धो के लानी पैंदी है, कुछ मैल ऐसी होंदी है जिहड़ी धो के नहीं लानी होंदी, उन्हें रूप वटाउणा होंदा है। जिमें मन्यूर है तो मैल कूड़ा है ना, गोहा गोबर जिहड़ा इहो जिहियां चीज़ां होंदे रूड़ी, ये की बनती है? एक खाद बनती है, बदलती है। बंदे की होमै नहीं मरद्या मरद्या इहदी असल हस्ती नूं जन्म देना आ। ये नहीं कि आपां होमै तो भजें, बाबा जी कहिंदे भजोगे कित्थे इस तों। जिवें आपां COVID-19 आया सीगा है ना, मैटाफोरिक वे नाल देख लैंदे आ, उदों गल हो रही सी एक हर्ड इम्यूनिटी डिवेलप होएगी तां जिंद छुट्टेगी। जिवें जिवें डिवेलप हो गई कुछ वायरस जिहड़ा हैगा वीक हो गया, कुछ लोगों की इम्यूनिटी बन गई, काम चल गया। एग्जैक्टली इन बिने साडे अंदर दियां सोचां कोई सुपरनैचुरल पावर ने आके साडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी, तब्दीली नहीं करनी। आपां मोस्टली उड़ीक रहे हां, ये पारस कला अंदर ही वापरनी है, ये विचारां ने वापरानी है। महाराज ने उदी बात की कि हर गुण गावै होमै मल खोए दर सच्चे सद सोभा पाए। फिर एहोजी हस्ती सच्चे दर ते सोभा प्राप्त करती है। सच का दर हाँ बाहर भी बंदा सोच सकता है, पर एटलीस्ट साढ़े साड़ी कॉन्शियस लैवल ते बनिया ही है ना, जिथे असी आप सोच सकते हैं। ये वैसे बौद्धिकता तो नैक्सट लैवल की गल की गई, भाई वीर सिंह की बड़ी बात करते हैं, भाई गुरुदास जी ने रचनावान असं पढ़ते हैं बाणी कह रही दर सच्चे सद सोभा पाए नाम रते गुर शब्द सुहाए। पर यह बात उन्हां दी पल्ले होए जो नाम रते, फिर उही बात रेपिटिशन च आ गई। तो उन्हां दी निशानी की है? गुर शब्द सुहाए, गुरु का शब्द उन्हां नूं सुहाए। सोहना लगना हुंदा पर वैसे हुंदा जचना। माफ़ी मंगागा, आपां ना बड़ी वधिया महंगी तो महंगी कोई ड्रैस लैण दी कोई कपड़ा खरीद लैंदा तो जिस बच्चे नूं आके पाउण लग्या उस बच्चे नूं ओह वड्डा आ, आप की दसोगे सुहाएगा उहनूं? कोई बंदा कहे इन्नी महंगी जैकेट सीगी इन्नी महंगी ड्रैस सीगी हद हो गई, पर
तुसी सारे हस रहे हो भाई, गल ये है इनू जचदी नहीं, क्यों? क्योंकि इहदा कद छोटा आ, वो चीज़ वड्डी है, इनू वो चीज़ जचेगी जिहड़ी इहदे इहदे हाण दी होगी। हाँ, जे इसनू जचाणा फिर नू उड्डे उड्डे कद वाला होना पड़ा। शब्द सोभदा आ पर उहदे वास्ते साडी वो जिहड़ी करनी है ना उस लैवल ते आए, अदरवाइज गल्लां ते बहुत वड्डियां वड्डियां भी कर सकने हैं, सुन भी सकते हैं, पर मायने की ने उहदे? मायने ये ने वो सोभदियां ने, शब्द सुहाए इत्थे आके बनता है। ये सारे दा सारा जिन्होंने असीं मिरर करना कहने हैं, दर्पण है, आरसी है, बाबा जी ये कर रहे हैं। अगला पदा बिल्कुल इहदे नाल कोरलेट हो रहा है, ऑलमोस्ट समा समाप्त हो गया है। रागी वीर आ गए ने, वो आप जी दी चढ़ाएगा अगली सेवा च हाजिर होणगे। खाकसार नूं इत्थे इजाजत देनी, भुल्लां गलतियां ना चतारनियां। आप समूह संगत दा सरवण करन लई बड़ा धन्नवाद। अच्छा, थोड़ा जिहा देर नाल शुरुआत हुई, मैनूं पता है साडे ऑनलाइन संगत विच्चों वड्डा हिस्सा वेट करदा हुंदा है, उहदे लई मैं माजरत चाहांगा। हाँ, आउंदे कल यतन करांगे समें नाल बात पा सकीए। अज वास्ते इत्थे समापन करदे हाँ, भुल्लां गलतियां ना चतारदे होए एक बार सब प्रेम आवाज़ दे के जरूर कहना जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।